अपनी जमीन बचाने के लिए व्यापारियों को करना पड़ रहा है कठिनाइयों का सामना। सरकार नहीं दे रही साथ, स्थगन आदेश होने के बावजूद आरोपियों ने व्यापारी के जमीन में कर लिया कब्जा। सरकारी बाबू ने व्यापारी की जमीन की फाइल की गायब, पैसा लेने के बावजूद भी नहीं किया कोई काम। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सतना जिले से जहां रीवा के व्यापारी सुधीर सोनी पिता स्वर्गीय सत्यनारायण सोनी ने ग्राम केमार में एक जमीन खरीदी है, जिसमें आरोपी राजेंद्र सिंह पटेल अपने दबंगई पूर्वक उसे जमीन पर कई वर्षों से कब्जा कर रखा है। इसके खिलाफ व्यापारी सुधीर सोनी ने बेला थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। व्यापारी सुधीर सोनी द्वारा न्यायालय में जाकर स्थगन आदेश भी ले लिया गया, लेकिन सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही, जिसमें व्यापारी काफ़ी डरा हुआ है। व्यापारी के जमीन में आरोपी राजेंद्र पटेल ने अपना ढाबा बना लिया, जिसका वीडियो भी वह फोटो भी व्यापारी के द्वारा जारी किया गया है। इस मामले में जिलाधिकारियों से अपने ज़मीन पर किए गए कब्जे को हटाने की मांग की गई है। वहीं बताया गया कि राजस्व विभाग के बाबू को फाइल आगे बढ़ाने के लिए कुछ पैसे भी दिए गए थे, लेकिन बाबू ने भी आरोपी से पैसा लेकर फाइल को आगे नहीं बढ़ाया। सोनी जी ने नायब तहसीलदार वृत्त कटरा रामपुर बखलान में धारा 250 का आवेदन दिया था। भूम खसरा क्रमांक 164/2/1/1 रकवा 0.040 हेक्टर, जिस पर तत्कालीन नायब तहसीलदार अरुण यादव ने उस प्रकरण में जांच कराई। जांच कराने के उपरांत पाया गया कि मतलब ये राजेंद्र सिंह जो अनावेदक थे पटेल, पिता राम स्वयंवर सिंह पटेल निवासी ग्राम केमार तहसील अमरपाटन के थे, इन्होंने आवेदक की भूमि पर जबरन भूमि अतिक्रमण कर लिया था एवं भवन निर्माण करने लगे दुकान बना करके। उस पर मतलब ये तहसीलदार ने रोक भी लगाई, नायब तहसीलदार रामपुर बघेलान ने। इसके बाद नायब तहसीलदार ने हलका पटवारी से जांच कराया, जांच में पाया कि आवेदक की भूमि पर अनावेदक राजेंद्र सिंह जबरन कब्जा कर रहे हैं एवं उसके साथ में शासकीय भूमि पर जो नेशनल हाईवे सतना रोड जाती है उस पर भी अतिक्रमण कर रहे हैं एवं निर्माण कर रहे हैं। और तत्कालीन तहसीलदार रामपुर बघेलान अरुण यादव जी ने फैसला किया और इनको जुर्माना भी 1000 किया। इसके बाद 7 दिवस के अंदर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया, पर न तो पटवारी मौके पर गए, न राजस्व निरीक्षक गए, न ही वहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया। इसकी नकल लेकर के राजेंद्र सिंह मतलब SDM रामपुर बघेलान के यहाँ अपील की। अपील में पार्टी के आने तक के लिए रिस्पॉन्डेंट के उपस्थित तक के लिए स्थगन दिया। इसके बाद हमारी पार्टी वहाँ पर कई बार गई, पर वहाँ पर न तो फाइल मिली न भी कोई वहाँ कार्यवाही हुई। वहाँ कोई एक बाबू है उर्मलिया, उसको उन लोगों ने पैसा भी दिया कई बार, बोला कि वो ढूंढने के चपरासियों को पैसा देना पड़ता है, परंतु भी फाइल नहीं मिली। करीब 4 या 5 दिन पहले उसने छत डाल लिया और पूरे परिसर में हमारे कब्जा कर लिया। इनमें भी हमने 16/9/2023 को भी इसकी शिकायत की कि ये बाबू द्वारा फाइल छिपा दी गई है और हम रीवा से दूसरे तीसरे दिन जाते हैं, पर आज तक फाइल नहीं मिली। जबकि यह प्रकरण करीब 1 वर्ष से ऊपर को हो गया और वहाँ के न तो नायब तहसीलदार कोई कार्रवाई कर रहे हैं, SDM कार्रवाई कर रहे हैं, केवल ये कहते हैं फाइल मिल जाए तो हम कार्रवाई बढ़ाएं, फाइल मिल जाए तो कार्रवाई बढ़ाएं। अब फाइल तो बाबू के पास रहती है,